सबसे प्यार और बहुत अच्छे से बात करने वाला इंसान कजिन है। लास्ट वक्त में बात नहीं कर पा रहे थे वो ज्यादा, आवाज लगाओ तो देखते थे और कुछ पूछो तो ऐसा नॉट किया करते थे। फैसल आर यू फाइन? बट नहीं, ही वाज सफरिंग। अनफॉर्चुनेट है, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स हम लोग ऊपर वाले के अगेंस्ट भी जा सकते, उनको कंप्लेन नहीं कर सकते, उनकी निराधारी होगी। उनको शायद सडनली बहुत प्यार आया फैसल पे और उन्होंने बोला चल यार मैं बहुत वक्त से हंसा नहीं, कब मेक मी लाफ, तो इज देयर। आप लोग सब यहाँ पर हैं, जरूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट फैसल ने आप लोगों के ऊपर छोड़ा होगा, तभी आप लोग सब यहाँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फैसल फॉर दोज 14 ईयर्स जो आपने मैंने स्पेंड किए काम करते हुए, झगड़ते हुए, लड़ते हुए। थैंक यू सो मच फैसल सर, थैंक यू सो 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 मच, एंड आई विल लव यू ऑल। A very talented man, very 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 talented, intelligence कूट कूट के था उनके अंदर। कुछ भी आप पूछेंगे उसका जवाब फैसल के पास था, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी। अमेजिंग राइटर, उनकी स्क्रिप्ट्स मज़ा आता था उस पर काम करने के लिए, हर एक एक्टर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर होता था। वो जस्टिस वो अपने एक्टर्स को देते थे। एज अ पर्सन व्हेन आई मेट हिम आई थॉट बहुत ज़्यादा खरूस है, बहुत एटीट्यूड देता है आदमी, इरिटेटिंग क्रीचर ही वॉज, ही इज स्टिल इज इरिटेटिंग। जिंदा दिल, कुछ सालों के बाद पता लगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है ये आदमी, किसी को देखकर इमोशनल भी हो जाना उनका, आंखों से आंसू भी निकल आते थे। गुटका लवर, उनका एक स्टाइल था गुटका खाने का, खाने के बाद मुंह से धुआं निकालने, लोग सिगरेट से निकालते हैं, गुटका से धुआं निकाला करते थे। Thank you.
मिला के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताया। मुझे छोटे भाई की जैसे मैंने कैरी ओवर किया लास्ट 15-16 ईयर से, वो एक मुझे अपने भाई की जैसे मैंने मुझे असिस्टेंट की जैसे भी बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, बहुत कुछ उनसे मैं सीखा। जब कभी किसी की हेल्प की जरूरत होती थी एनी टाइम उन्होंने मुझे खड़े होते, उनका भी कोई छोटा भाई नहीं था और मेरा भी नहीं था, मेरे बड़े भाई थे उन्होंने मेरे की टेंशन होते आशीर्वाद मेरी फैमिली मेरी है मेरी फैमिली के लिए। उनके बारे में जितना भी बहुत उस टाइम मिलने के बाद में जब मैं असिस्टेंट करने के बाद में इंडिपेंडेंट के तौर पर लगा मार्केट में कुछ प्रोड्यूसर्स मिला कुछ एक्टर्स मिला, तरह तरह के लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें कामयाबी नहीं हो पाया। भाई ने बोला मुझे टेंशन होती है कुछ भी दिल कर रहा है कैसे के बारे में बोलने के लिए बिकॉज ही इज हियर आई नो लॉट ऑफ फिल्मी लाइन बट ही इज हियर। तो आपने सर कोई भी कुछ भी बोलना चाहता है कैसे के बारे में तो प्लीज फाइनल करो। बिलीव दैट डेथ इज मोर सर्टेन देन लाइफ। और कितने ऐसे हैं और आजकल देखा जाए तो काउंट ऑफ लाइफ जब हम सुबह उठते हैं फेसबुक में तो काउंट ऑफ सी राजू श्रीवास्तव ऑल्सो इट्स ऑलवेज गिव्स यू अ पैकेज ऑफ सरप्राइज ऑफ अ डेथ। अब वो डेथ कब आनी है कैसी आनी है विच वी ऑल्सो पार्ट रिगार्डिंग फैज इसे मैं 80s से जानता हूँ जब हम लोग यारी रोड पर रहते थे और मेरी बहुत क्लास बॉन्डिंग होती थी इसके साथ। हमेशा ये क्रिकेट हम लोग क्रिकेट खेलते थे सर 87-88 के बाद और उस दौर मेरे स्कूल्स थे कॉलेजेस थे और ये हमें मिलते थे और बहुत ही अच्छी दोस्ती थी हमारी। पैसे तो होते नहीं थे जेब में, वो नागौरी के वहाँ चाय पीते थे कोई ना कोई पिला लेता था। दोज आर द ब्यूटीफुल डेज। उसके बाद में आदमी को कब मिलना होता है कुछ पता नहीं होता है। डेस्टिनी फैज से पहले मेरी मुलाकात आपसे हुई और जब मैं सेट पे आया आपके कविता पर तब मुझे पता चला कि मैं इस आदमी को नहीं जानता और फिर हमारी बॉन्डिंग ऐसी होगी कि पुरानी हम लोग सेट पे पुरानी यादें लेके बैठते थे अब 86, 87, 88। May God bless his soul in peace. It has already been blessed. The people who are angels जो हैं वो definitely कहीं ना कहीं उनका जन्म अच्छी जगह ही होता है और मैं चाहता हूँ कि भगवान करे ऊपर वाला करे कि अगली लाइफ भी उसकी इंसानी रहे और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी बाकी सब कुछ भी जा रहा है। इसलिए आए सुबह उठो परमात्मा का शुक्र अदा करो कि मैं आज जिंदा हूं उसके बाद पता है। आई थिंक सो वी शुड ऑल स्टार्ट living per day
because this is the lesson to all of us. Life is always uncertain, but death is very good. कहाँ से शुरू करें, मतलब मैं उससे पहले मिली थी, मेरे सेट पर वो आया था, he was a journalist back then. और इंटरव्यू लेने आया था. उस वक्त मैं ऑरेंज खा रही थी और वो आज तक, मतलब जब हम लास्ट मिले थे तब तक वो मुझे चिढ़ाता था कि सेट पे बैठ के ऑरेंज खा रही है. दैट वाज हिज सेंस ऑफ, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब इतना गंदा ह्यूमर था उसका. मैंने फिर इसके साथ शूट किया दो शूट किया. ही एज अ डायरेक्टर, कविता एज माय प्रोड्यूसर. एंड आई कैन से फॉर अ फैक्ट कि इतना अनकॉम्प्लिकेटेड, इतना ब्रिलियंट डायरेक्टर, इतना ईजी गोइंग डायरेक्टर, मैंने आज तक ऐसे किसी डायरेक्टर के साथ शूट नहीं किया. अगर मैं कहूँ उसे कि फैस थोड़े से लाइन्स ऐसे, अच्छा चलो करो, फैस ये सीन ऐसे, हाँ चलो करो, फैस ऐसे ऐड कर सकते हैं, हाँ चलो करो. सो ईजी गोइंग, सो जोवियल. एक भी शॉट मुझे याद नहीं है हमने जो किया, एक भी शॉट स्टार्ट में यहाँ से नहीं है, एंड में यहाँ से नहीं है, ऐसा एक भी शॉट हुआ नहीं है. ही वॉज सो फुल ऑफ लाइफ, सो फुल ऑफ ह्यूमर, लाफ्टर. मुझे कभी भी मेरे नाम से पुकारा नहीं है उसने, कभी भी नहीं. हम किसी का मजाक उड़ा रहे थे और वो मजाक भी बनते रहे. आई मीन इट्स एन इम्पॉसिबल टू बिलीव. ऐसा लगता है फैज ना कोई जोक कर रहा है हम पे कि ये गॉड विल कीप हिम हैप्पी. जैसे फैजल जी जोक करते थे, आई गेस ये एक जोक है, बिकॉज इतने हाई ऑफ एनर्जी, हाई ऑफ स्पिरिट्स और हाई ऑफ एंथुजियाज्म के साथ उनको देखा है, बीट ऑन सेट, बीट ऑफ सेट. उनसे मिलना ही एक यू नो, व्हेन आप एक बहुत ब्राइट स्टार से मिलते हो, जैसी फीलिंग होती है आपके अंदर रशेज आते हैं, आपको लगता है कि आप कितने हाई ऑफ एनर्जी किसी इंसान से मिल रहे हो. फैजल जी से हमेशा एक बहुत हाई ऑफ एनर्जी है, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ ऑल्सो वर्किंग विद हिम, लाइक आई माइट एग्री विद एवरीबॉडी दैट उनसे ज़्यादा चिल्ड आउट, कूल और यू नो एस मेकर इज रेयर. एंड ऑल्सो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी विद एवरी लाइन, इवन विद द सीन, वो पूरी यूनिट को जिस तरीके से रखते थे. फैजल सेफ एज अ मेकर इज अ रेयर पर्सन. उनके थॉट्स, उनके आइडियाज, इवन उनकी इवन द आइडिया ऑफ अ स्क्रिप्ट यूज टू बी वेरी डिफरेंट. एंड आई गेस एज एक्टर्स हम सब ने उस चीज़ को देखा है, महसूस किया है कि how much he made a difference into the industry itself. Be it unka style, unka goa khane ka andaaz, unka naya kapda pehen kar dikhana ki dekh rahe ho how am I looking. Be it his hairstyle, what he used to make, he has a style. And Faisal Saif as a person, as a human being, is immortal.
एंड ऐसे लोगों को ब्यूटीफुल मेमोरीज में कैच करके हमेशा के लिए रखना चाहिए आई गेस. नथिंग एल्स टू से. अ फैंटास्टिक टीम इज लॉस्ट एंड वी गोना मिस हिम दैट. लाइक इट्स शॉकिंग, इट्स हार्ड टू बिलीव कि फैसल भाई इज नॉट देयर. लेकिन उनका भी कहना सही है कि लाइक वी ऑलवेज हैव टू, जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले का अल्लाह का शुक्र गुजार रहना चाहिए. अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, थैंक यू कि वी आर स्टिल अलाइव एंड एवरी मोमेंट वी शुड, इनफैक्ट वी शुड से थैंक्स, क्योंकि पता नहीं कब किसका बुलावा आ रहा. मैं इस कपड़े में ऐसा हूँ क्योंकि अभी मैं कब्रिस्तान से ही आ रहा हूँ, दूसरी मैं से मेरी कज़न की. सो इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल लाइफ इज, मतलब क्या बताऊँ. एक्चुअली ये हंसने वाला बंदा है, जिंदा इंसान है, तो आई शुड बी वेरी हैप्पी टू बी हियर. एक्चुअली मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ. मेरी पहली मुलाकात इनसे ग्लोबल मूवी मैगजीन में हुई थी. जैसे कविता ने कहा कि लाइक मोस्ट एरोगेंट शॉट बंदा, लेकिन टिपिकल मियाँ भाई स्टाइल में. मैं मियाँ भाई हूँ तो मुझे पता है मैं भाई कला का ये माइंड के, तो तभी से मेरी बॉन्डिंग सही जमी थी. बिकॉज वो कहते हैं ना व्हेन द टाइटंस क्लैश, तो दोनों भाई भाई माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र. वो दिन फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे तक जब तक हम लोग मिलते रहे ऑन एंड ऑफ ही हैजंट चेंज अ सिंगल थिंग. उनके ह्यूमर माशाल्लाह, एवरीथिंग, रिस्पेक्ट, टैलेंट तो पूरी जो मल्टी टैलेंट बंदा है. और जर्नलिज्म में तो सबकी फाड़ के रखता था बिंदास. मैं खुद बोलता था कि यार भाई आपको थोड़ी हल्की सी भी शर्म या हल्की सी भी डर नहीं लगता कि मतलब जो मुँह में आया, जो दिल में आया, बिंदास सवाल सामने लगा कर डालने का. मतलब दैट्स मी मी ऑल्सो, जो सही है तो सही है. दैट्स फैसल सैफ, माशाल्लाह टैलेंट बंदा. बट बस आप लोगों से यही है कि लाइक फैसल के लिए अभी सब लोग दुआ कर सकते हैं. एंड आई जस्ट ब्लेस योर फैमिली. मैं सब वो मोमेंट्स मेरे को फ्लैशबैक हो रहे थे इनके 80s का टाइम, ब्यूटीफुल टाइम है दोस डेज. अभी तो माय लाइफ टोटली चेंज है. ऊपर वाले का शुक्र गुजार रहो, अपने माँ बाप के साथ रहो. और जो फैसल करता था सबके साथ मोहब्बत के साथ, ही वॉज लाइक वेरी बॉन्डेड टू हिज फ्रेंड्स, हिज फैमिली एंड एवरीबडी. लाइक माशाल्लाह जस्ट एक उदाहरण है, इंसान चले गए एंड बी लाइक हिम. थैंक्स फैसल. ठीक हुई है.